हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है अलग अलग हफ्तों के दिनों में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, एक दिन में कितना बिका है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। और एक बल्ब की वैल्यू कितना है, टू, यानी एक फोटो जो है वो टू बल्ब को दिखा रहा है। ठीक, अब इसका आंसर हम लोग देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितनी बल्ब सोल्ड की गई, वो देख लेते हैं हम लोग। फ्राइडे को कितनी बल्ब सोल्ड की गई, ये है हमारा फ्राइडे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पिक्चर है और एक पिक्चर दिखा रहा है टू बल्ब को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 × 2, 7 पिक्चर है, टू बल्ब को एक पिक्चर दिखा रहा है, तो 7 × 2 = 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। ठीक, बी वाला क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। किस दिन सबसे ज्यादा बल्ब बिका था, ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि साफ पता चल रहा है कि ये वाला जो है सबसे ज्यादा बल्ब इसी दिन बिका हुआ है। ये डे कौन सा है, संडे। तो बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, संडे। सी वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। किन 2 दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुआ है, मतलब दोनों दिन बराबर बिक्री हुई है। तो यहां पर देखिए किसमें कॉलम बराबर है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो वेडनेसडे वाला है और ये जो सैटरडे वाला है, वेडनेसडे और सैटरडे, 2 दिन आपका सेम नंबर ऑफ बल्ब बिका हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वाले का, वेडनेसडे। एंड सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। आइए डी वाला देख लेते हैं। डी वाला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। किस दिन सबसे कम बल्ब बिका, यहां से देख के बताइए। तो सबसे कम हमको दिख रहा है ये वाला जो कि है वेडनेसडे का, और ये वाला जो कि है सैटरडे का। तो इसका आंसर भी वही होगा, सबसे कम इसी दिन 2 दिन बिका हुआ है ना, वेडनेसडे को सबसे कम बिका एंड सैटरडे। अब आइए ई वाला देख लेते हैं। ई वाला है, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब। अगर एक बड़ा सा गत्ता लिया जाए, कार्टन मतलब जो गत्ता होता है दफ्ती का, और उसमें आएगा कितना, 9 बल्ब। तो हाउ मेनी कार्टून वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो पूरे एक हफ्ते की बल्ब को रखने के लिए कितने गत्ते चाहिए होंगे ये बताना है। एक गत्ते में 9 बल्ब आएगा, तो पहले टोटल हमें बल्ब गिनना पड़ेगा कि कुल कितने बल्ब हो रहे हैं। तो चलिए काउंट करते हैं टोटल, यहां पर कितने हो रहे हैं मंडे को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो रहे हैं। और एक पिक्चर 2 को दिखाता है, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12, यानी मंडे को 12 बिक रहा है। ट्यूसडे को कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 अगर 2 में मल्टीप्लाई कर क्या होगा, 16। 1, 2, 3, 4 और 4 × 2 = 8, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 × 2 = 10। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पिक्चर 2 बल्ब के बराबर है इसलिए। फ्राइडे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 × 2 = 14, 1, 2, 3, 4, 4 × 2 = 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 × 2 = 18। ये हमारे टोटल बल्ब हैं, ऐड करके देख लेते हैं कितना हो रहा है, 6 और 2 = 8 और 8 = 16 और 4 = 20, 20 और 8 = 28 और 8 = 36, कितना आया, 36। 3 कैरी आ गया, तो 1, 2, 3, 4, 5,
और थ्री कैरी था, कितना हो गया 5 और 3 8 86। टोटल बल्ब कितने हुए 86। यहां पे क्या लिखेंगे, टोटल बल्ब इज इक्वल टू 86। अब लिखना पड़ेगा ना हमको सेंटेंस बना के, टोटल बल्ब कितना है 86 और वन कार्टून कैन होल्ड, एक कार्टून कितना होल्ड कर सकता है 9 बल्ब ना। तो नंबर ऑफ कार्टून पूछ रहा है, नंबर ऑफ कार्टून, तो कैसे पता चलेगा 86 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे ही तो पता चलेगा। एक कार्टून में आ रहा है 9 बल्ब, टोटल बल्ब है 86, जब 9 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना गत्ता चाहिए। डिवाइड करने पर कितना आएगा ये हमारा, जब डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है ना। अगर हम 9 बॉक्स लेंगे तब भी हमारा 9 9 जा कितना हुआ 81। चलो यहाँ डिवाइड कर देखिए, जैसे 86 को डिवाइड करोगे 9 से, 9 बार गया 9 9 जा 81 कितना बच गया 5। अब ये 5 बल्ब तो बच गए ना, तो इसको भी तो भरना ही पड़ेगा, यानी एक और हमें चाहिए ये बचे हुए बल्ब को रखने के लिए। टोटल कितने चाहिए 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 कार्टून हमें चाहिए, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ई वाले का, इस तरह से आप कर लेना, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तब तक के लिए जय हिंद।